आइए आपको बताते हैं कैसे पूनम फ्लूट्स कोविड-19 के समय में बांसुरियों को सैनिटाइज करते हैं और उन्हें स्वच्छता के साथ पैक करते हैं। सबसे पहले बांसुरी की केस के ढक्कन को सैनिटाइज यानी साफ करते हैं, फिर पीवीसी पाइप को भी साफ करते हैं। फिर बैक को इसके बाद पीवीसी पाइप को बैग के अंदर रखते हैं। अब बैग को दूसरी बार सैनिटाइज करते हैं। क्योंकि बांसुरी को बबल रैप में पैक किया जाता है, इसको भी साफ किया जाता है। अब बांसुरी को भी साफ किया जाता है। हमारे पास करीब 35 लीटर सैनिटाइजर रखा है, जिससे हम हर बांसुरी को सैनिटाइज कर पाते हैं। अब बबल रैप किया हुआ बांसुरी को केस के अंदर रखा जाता है। फिर ऊपर के ढक्कन को भी सैनिटाइज किया जाता है। आपको बता दें कि ये स्पेशल डाई कट से बनाया ढक्कन है। केस के जिप को भी रबर बैंड लगाया जाता है ताकि यह टूटे नहीं। वैसे पूनम फ्लूट्स अच्छे क्वालिटी के जिप का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी ट्रांसिट के समय कहीं अचानक टूट ना जाए, इसीलिए रबर बैंड लगाया जाता है। फिर कार्डबोर्ड के डब्बे में बांसुरी को केस के साथ रखा जाता है। डब्बे के ऊपर इनवॉइस चिपकाया जाता है। जब आपके पास यह पहुंचे, आप पहले कार्डबोर्ड का ढक्कन खोलें। फिर बैग को बिना छुए उसे बाहर निकालें इस तरह से, किसी सेफ जगह पर। अब कार्डबोर्ड डब्बे को फेंक दें। अब आप हाथ धोकर बांसुरी को बैग से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ भी स्वच्छ हैं और बांसुरी भी अनछुई है। आप इसे अब निश्चिंत होकर इस्तेमाल कर सकते हैं।